अगर अभी तक तुमने प्रशांत वर्मा की हनुमान मूवी नहीं देखी है तो भाई मिस मत करो जाके जरूर से देखो क्योंकि इस वीडियो में हम प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में भर भर के बातें करेंगे कि भाई इसका पोटेंशियल क्या है फ्यूचर क्या है और ये हमें क्या बतलाना चाह रहे हैं तो भाई सबसे पहले हनुमान मूवी के बारे में और चर्चा करने से पहले इसका कॉन्टेक्ट जान लेते हैं कि भाई ये है क्या तो ओरिजिनली तेलुगु सिनेमा से ये जन्म ली ये सुपर हीरो मूवी एक विजन रखती है एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का जिसमें प्रशांत वर्मा एंड टीम का इंटेंट तो ये था कि भाई वो अपने हिंदू गॉड से इंस्पायर

आंसर है में हनुमान में ही मिल जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं अब देखो होता क्या है, कि हनुमान के एंड में जब का होता है तो उसके अंदर बजरंग बल का ब्लड हो जाता है, जो की के में चला जाता है, है असंभव हो चुका है जो इतने सालों से इंतजार में शांत हो के भाई अपने कंट्रोल में थे वो अब सब कुछ एक साथ बाहर आ रहे हैं अपनी सेना के साथ लड़ने मारने और कब्जा करने के जिसमें अब इसे महाधर्म युद्ध का नाम दिया जा रहा है जिसमें ड्रैगन असुर

कि वो ऑर्डर फिर से मेंटेन कर सके वे इट लुक्स प्रशांत वर्मा अपनी चिरंजीवी को फ्लैश आउट कर सकते हैं एक नई डील के साथ में, से समझ में आता है मोस्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव बंदा भी होगा या बंदी होगी जो कि भाई उनकी डिस्टिंग पावर को भी रिप्रेजेंट करेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ज्यादा लोग आएंगे काफी अच्छा लगेगा जहां एक बात ये थोड़ी सी हैरान करने वाली है कि अधीरा मूवी में

ही लेना चाहिए बाकी तुम अपनी मुझे जरूर बताना इन सारी बातों के साथ साथ मैंने मेरी क्रिसमस मूवी के रिव्यू भी किया है जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। तुम्हें सारी तुम्हें मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन